है, मेरे लिए रिकमेंडेशन क्या होगा? तो मेरे लिए रिकमेंडेशन होगा, मुझे अक्सर कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, एजुकेटर्स, टीचर्स और ऐसे बहुत सारे नए नए यूट्यूबर्स मुझसे हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे अपने चैनल को ग्रो करें, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें। जब क्वेश्चन मेरे सामने आता है ना, तो मुझे बड़ा सोचना पड़ जाता हूँ मैं, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर मेरे पास भी नहीं होता। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने मेरे चैनल को ग्रो किया है, इस एज में मैंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है, उसका एक ही तरीका था, मार्केटिंग के उन छोटे छोटे टूल्स को सही तरीके से यूज़ करना। मैंने हर वो कोशिश अपने चैनल पर, अपने बिजनेस पर अप्लाई करके देखी, हर वो ट्रिक्स को अप्लाई किया, जो मेरे से बना मैंने हर वो चीज़ करी, उन्हीं चीज़ों को मैं आप तक पहुंचाता हूं। कई लोगों को लगता होगा कि इस तरीके की रोलिंग लाइन चलाने से क्या होगा, इस टैक्स को चलाने से क्या होगा, बट अगर मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा हूँ, या फिर आप अगर किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उसका ध्यान इस टाइप की लाइन पर ज़रूर जाएगा, और वहाँ पर वो दो मिनट रुकेगा, वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन तक पहुँचेगा। देखिए, मार्केटिंग की टर्म में इसे कॉल टू एक्शन कहा जाता है। अगर आप अपने वीडियो में इस लाइन के थ्रू, जो टेक्स्ट चल रहा है इसके थ्रू, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र को साझा करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। कुछ कुछ यूट्यूबर्स के साथ में मैंने एक प्रॉब्लम ये भी देखी कि उनकी जो ये लाइन होती है इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, हार्ड से मतलब मेरा इतना येलो कलर और रेड पूरा सेंटर ऑफ इंट्रैक्शन वो लाइन बन जाता है। ऐसा भी करना सही नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा, एक एग्जांपल दीजिए, अगर इस वीडियो में बहुत सारे एड्स आ जाए, मुझे नहीं पता अभी कितने आ रहे होंगे, बट बहुत सारे ऐड आ जाए तो आपके लिए इरिटेटिंग हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज चीज़ें भी नहीं करना चाहिए, बट हाँ, इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप OBS से लाइव जा रहे हो या वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप OBS के थ्रू लाइव सेशन में इस स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को लगा सकते हो। देखिए, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को लगाने से कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आप जब इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो एक अनप्रोफेशनल शो होता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, पर डेफिनेटली मैंने यूज़र्स के ओपिनियंस को भी समझा कि पूरे टाइम घंटों घंटों तक चल, आप एक घंटे क्लास ले रहे हो, एक घंटे तक ये टेक्स्ट चलता रहता है, ये भी सही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको दो चीज़ बताऊँगा कि आप कैसे शॉर्टकट की के थ्रू इसे हाइड और स्टार्ट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो, राइट। और सेकेंड में जो आपको बताने वाला हो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को आप लगा सकते हो। देखिए, आप यहाँ पर किस टाइप की इन्फॉर्मेशन डालेंगे ये भी बहुत ज़रूरी है। आप इस टाइप की इन्फॉर्मेशन डालिए, जैसे कि अगर मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी है और मुझे लगता है कि आप मेरे कस्टमर हैं, आप, मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्व कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर डालूंगा, ऐसा टेक्स्ट डालूंगा कि अगर आप मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये मैंने एक छोटा सा कॉल टू एक्शन दिया। सिमिलरली, एज अ टीचर, अगर आप भी कुछ डालना चाहते हो तो आप ऐसा डाल सकते हो कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप चाहते हो कि अच्छा आपकी वेबसाइट पर आए तो आप वेबसाइट विजिट कराइए, आप यहाँ से कुछ एक्शन करवाइए, अपना नंबर शेयर करिए, बहुत हेल्पफुल होता है, बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। सिमिलरली, आप यहाँ पर सब्सक्राइब रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। इस टेक्स्ट का एक अपना मज़ा है, एक अपना रिस्पॉन्स है। अगर आप इसके टेक्स्ट को एक नॉर्मल स्पीड पे रखिए, बहुत तेज हमें नहीं करना है, एक नॉर्मल स्पीड पे हमें रखना है और इसे सही तरीके से लेकर चलना है। तो चलिए, अब OBS पे मैं आपको लेकर चलता हूँ किस तरीके से आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इस टेक्स्ट की, बहुत सोफिस्टिकेटेड कलर कॉम्बिनेशन के साथ में हमने इसको बनाया है। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट सीन पे लेकर इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सीन पे मेरा ऑलरेडी वीडियो कैप्चर डिवाइस है, यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करूंगा और सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट GDI, यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं मूविंग टेक्स्ट, राइट, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये विंडो ओपन हो गया है। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एज ए यूज़र उसे हिंदी में ही यूज़ करते हैं। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये दो वेबसाइट जो है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहला जो मेरा वेबसाइट है ये है हिंदी टाइपिंग के लिए, तो जैसे आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैं सिंपली हेलो लिख रहा हूँ तो ये हेलो टाइप हो रहा है, राइट। तो ये आप देख लीजिए, ये आप डायरेक्टली कॉपी कर दीजिए, कंट्रोल सी करके
यहाँ पर आप इस सेक्शन में आके कंट्रोल वी कर दीजिए। आप देखेंगे ये फॉन्ट काफ़ी बड़े होते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर जाके सेटिंग के थ्रू आप इसको छोटा भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट फॉन्ट पे क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट फॉन्ट पे आप यहाँ पर इसकी साइज़ मेंटेन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर, मुझे लगता है 16 एक अच्छा साइज़ होता है, और 16 साइज़ सिलेक्ट कर दीजिए। ओके कर दीजिए, 16 काफ़ी छोटा हो गया है। तो सिलेक्ट फॉन्ट पे जाके इसको हम एक बार 36 करके देखते हैं। 36 भी छोटा है, तो इसका साइज़ अपन 72 ले लेते हैं। हाँ, अभी 72 ठीक है, एवरेज विजिबल साइज़ है। और एल्स आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इस ये जो एरो है इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, और बड़ा छोटा करना है तो आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। अब इसको उठा के आपको लग देना है नीचे यहाँ पर, राइट। इसका मूवमेंट यहाँ पर बना लीजिए। अब देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे, कि देखो मार्केटिंग में ये कट रहा है, ऊपर की मात्राएँ कट रही है। ये प्रॉब्लम पता है क्यों आ रही है, क्योंकि ये एरियल फॉन्ट सिलेक्टेड है। अब इसमें हिंदी जो होता है फॉन्ट, वो कृतिदेव को मान के चलते हैं, कृतिदेव में ये एक्सेप्टेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम कहीं पर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका, कि कृतिदेव टू यूनिकोड कन्वर्जन आप कर सकते हो। तो आपने क्या करा, ये जो टाइप हुआ है, ये टाइपिंग हुई है हमारी नॉर्मल यूनिकोड में। अब इस यूनिकोड को मैं कृतिदेव में बदल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ से इसको यूनिकोड में पेस्ट कर दिया, और ऊपर से कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाके यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्ट फॉन्ट सिलेक्शन पे मैं पहले यहाँ जाकर इस टेक्स्ट को कंट्रोल हटाता हूँ, और इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो है कुछ अजीब सी लैंग्वेज लिखी आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट सही करना है अपने को। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं के प्रेस करता हूँ, और कृतिदेव के मेरे को यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर कोई एक ठीक सा फॉन्ट में उठा लेता हूँ, जैसे मैं ये फॉन्ट मुझे ठीक लग रहा है, मैं इस फॉन्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अब आप देखिए ये फॉन्ट यहाँ पर आ चुका है। अब आप देखिए कि क्या क्या आपको सेटिंग करनी होगी यहाँ पर। तो हमें सेटिंग करनी है, तो आप या तो इस पर इसकी प्रॉपर्टीज पर चले जाइए। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ नीचे जाना है, और आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अब आपको टेक्स्ट को किस टाइप से ट्रांसफॉर्म करना है, तो अपर केस, लोअर केस, स्टार्ट केस। तो ये इंग्लिश के लिए है, हिंदी के लिए नहीं है। तो अपर केस में अगर सारे लेटर आप चाहते हो कैपिटल में आ जाए, तो ये कैपिटल यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसको ये आपका किसी काम का नहीं है। वर्टिकल में अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल सीधा हो जाएगा। कलर सिलेक्शन आपको करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप इस सिलेक्शन से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। मैं आपको एक बार टेक्स्ट का कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कलर पे क्लिक करिए, और यहाँ से इसका कलर जैसे चाहे आप वैसा चेंज कर सकते हैं। मैं इसको अगर येलो कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अगर आप किसी कलर को पिक करके, स्क्रीन से कोई कलर पिक करके चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी इसे वाइट ही रहने देता हूँ, मैंने इसको वाइट ही रहने दिया है। अब ओपेसिटी को देखिए, अब इसकी ओपेसिटी आप, इसकी टेक्स्ट की ओपेसिटी तो आप 100% रहने दीजिए। ग्रेडियंट को अभी नहीं समझते हैं, ग्रेडियंट को ऐसा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस है, तो ग्रेडियंट को नहीं समझते। ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप टेक्स्ट पे जो आप ऐसे दो तीन कलर से प्ले करते हैं ना, उसे ग्रेडियंट बोलते हैं, बेसिकली इतना समझिए। आप बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी देखो, ओपेसिटी मतलब क्या होता है, कि आपका जो कलर है वो कितना परसेंट दिखेगा। तो जैसे जैसे आप इस ओपेसिटी को इंक्रीज करोगे, बैकग्राउंड आ जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड आ गया। अब देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना होगा। अलाइनमेंट देख लीजिए कि अलाइनमेंट सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, तो ये अलाइनमेंट भी आप देख सकते हैं, है ना। अलाइनमेंट टॉप केस, ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं, जो चीज़ आपके काम की है मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, कि कृतिदेव में हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया, कृतिदेव में हमने, अब देखिए मेरा ऑनलाइन सेटअप और ये सारी चीज़ें पूरी भर के आ रही है, मतलब बराबर आ रही है। पहले मात्राएं सारी ऊपर जा रही थी, अब वो यह प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ मेरा सीन देखिए, इस सीन में देखिए कितना प्रॉपर दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको नीचे जाता हूं, और यहां पर जाके सबसे पहले मैं उस पैच को लेके आता हूं। तो यहां पर प्लस पे क्लिक किया मैंने, और यहां पर ऐड कर दिया मैंने इमेज, इमेज पे क्लिक किया, इमेज ओके करके मैंने ब्राउज कर लिया इमेज को, और मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हुआ है। तो ये मेरी इमेज यहां पर आ गई। अब आप एक चीज देखिए, मेरी ये जो इमेज है ये मैंने कैसे बनाई है, मैंने इसको PNG फॉर्मेट में इमेज को बनाई है। देखिए PNG फॉर्मेट में 1920 का ऐसा फ्रेम बनाया है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
आपको एक बार मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये इमेज को बिल्कुल ऐसा PNG बनाया, PNG फाइल बनाया। या तो आप इतनी बड़ी PNG फाइल बना लीजिए, भी कैसे बनेगी इसके लिए आप देख लो, किसी भी कोरल वाले एडिटर या किसी भी एडिटर को बताओगे कि PNG फाइल चाहिए, तो मेरी जो मेरी इमेज फाइल है ना वो एक्चुअल में सिर्फ ऐसी है, ये एक्चुअल में रियल फाइल ये है मेरी, ये देखिए सिर्फ इतनी इमेज है और पूरी इसी तरीके से कड़ी हुई। आप इस इमेज को अगर देखोगे तो ये इमेज है, ये इमेज देखो पूरी ऐसी इमेज बनी हुई है, ये पूरी रेड साइड लाइन में आप देख रहे हो ना, ये पूरी इमेज उस तरीके से बनी है। तो मैंने इसको इमेज को ऐसे बना दिया क्योंकि टेक्स्ट ऐसा लग रहा है इसके अंदर जाए, है ना, टेक्स्ट इसके अंदर जाएगा इस तरीके से। अब मैं इसको उठाता हूँ और इसको इमेज है ना, अब इमेज को मैं सीधे लॉक कर देता हूँ, ये इमेज को मैं लॉक कर दिया। लॉक का मीनिंग क्या होता है कि अब इसको ये हिलेगी नहीं यहाँ से, है ना। अब इस सेक्शन को उठाता हूँ मैं और इस सेक्शन को उठाकर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। देखिए अब ये बिल्कुल फिक्स हो गई है, इसी की साइज की हो गई है और मैं यहाँ पे इसको, आप ये कीबोर्ड से भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं पूरा, है ना, ये मेरा बन गया। अब मेरे को इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज में जाके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके बैकग्राउंड में जाके मैं अब सिलेक्ट कलर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ कलर को। अब मैं चाहता हूँ मेरे लोगो का जो कलर है ना, मैं वो कलर इसके बैकग्राउंड में ले लूँ, तो मैंने ये लोगो कलर उठा लिया है और ये मेरे बैकग्राउंड में आ गया है। अब ओके, अब देखिए आप अगेन आपको लग रहा है कि फॉन्ट चेंज करना चाहिए, हाँ थोड़े से बोल्ड फॉन्ट लेके देखता हूँ मैं, तो सिलेक्ट फॉन्ट पे जाते हैं, प्रतिदेव के ही फॉन्ट आपको सिलेक्ट करने हैं थोड़े से, और जैसे ये फॉन्ट मुझे थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, ये इस सेक्शन में यहाँ पे शो होता है, देखिए ये यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मेरा फॉन्ट बोल्ड हो गया। अब देखिए अभी तक अपन ने क्या करा है, एक इमेज लगा दी, इमेज को थोड़ा हल्का सा छोटा और कर देता हूँ, हल्का सा नीचे दिख रहा है ये दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर इमेज लगा दी है और अब इस टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाना है, तो क्या करेंगे, मूविंग टेक्स्ट पे आपको जाना है और इस पे फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे जाके इसको ऐड करना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल लगाना है, इसको ओके कर दीजिए। और अब देखिए यहाँ पर इसको लूप पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर आप इसको लूप पे क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यूसली लूप वाइज चलता रहेगा। इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, अब देखिए अभी ये चल नहीं रहा है पर जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल स्पीड को बढ़ाएंगे ये चलना स्टार्ट होगा। अब आपको देखना कितना तेज, आपको देखो यहाँ से कितना स्पीड अप हो गया, मैं इसको कम करते जाऊंगा, थोड़ी सी स्पीड कम करते जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से 140 130 के बीच में आप इसको रख सकते हैं, प्रॉपर विजिबल होता है। अब देखिए ये लग गया हमारा टेक्स्ट, तो अब कैसे टेक्स्ट पूरा मूव हो रहा है, ये जो हमने करना चाहा था ये बिल्कुल हो गया। अब देखिए पूरे टाइम इस टेक्स्ट को वीडियो में नहीं चलाना चाहिए, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट्स किस पे जाते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद में आप जाइए हॉट कीज पे। अब यहाँ पर इसको देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, देखिए ये मूविंग टेक्स्ट, शो मूविंग टेक्स्ट और हाइड मूविंग टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर 4 को शो करता हूँ और 5 से हाइड करता हूँ और इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। तो अब जब भी लाइव क्लास के दौरान मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर ये दिखा दिया जाए, देखो यहाँ पे अब मैं जब 4 प्रेस कर रहा हूँ तो मैं टेक्स्ट को रिमूव कर दे रहा हूँ और 5 प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा टेक्स्ट फिर से आ रहा है। तो इसी तरीके से आप हाइड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ये इससे क्या फायदा होगा, देखिए जब भी आप ऐसे वीडियोस बना रहे हो तो पूरे टाइम यूजर इरिटेट नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हो, जैसे मुझे जब भी लगाना है तो मैं आप यहाँ पर हाइड कर दूंगा, आपसे बात करी उसके बाद में फिर मैं चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट करे तो मैं चालू कर दूंगा। तो ये था बेसिक हमारा पूरा ट्यूटोरियल। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स को हम कर अपने चैनल को, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा देखा है हजारों व्यूज़ होने के बाद भी आप लोगों का जो रिस्पांस सब्सक्राइबर पे है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कभी अप्रोच नहीं करता कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, ये मेरा ड्रॉबैक था, इसीलिए आज इस वीडियो से मैं ड्रॉबैक दूर करता हूँ और बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।